हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम जोन क्लासेस। इस सीरीज में स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारा क्लास 7, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर को लेके हमारी अभी 2 या 3 क्लासेस और रहेंगी, बाकी फर्स्ट चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज का क्लास। सबसे फर्स्ट हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और मैं कुछ दिन बाद इन क्वेश्चंस को वीडियो लेक्चर ला के सॉल्व कराऊंगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। और बेस को लेके मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, लेकिन बेस आपको चारों के एकदम से याद रखने हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा मेमोरी है। आज हम लोग मेमोरी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने मेमोरी का सिर्फ एक चार्ट समझा था, जिसमें कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत मेमोरी समझा था और वो हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन मैंने सोचा मेमोरी को एकदम डिटेल में कराया जाए। ओके, तो मेमोरी क्या है? कंप्यूटर का पार्ट है जहाँ पर सारा डेटा क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। ओके, जो मेमोरी होती है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन बन जाता है ऑक्सिलरी प्राइमरी, तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाना। तो ये अगर ऑक्सिलरी मेमोरी की बात हो रही है तो वो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है तो वो क्या है, मेन मेमोरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हम लोग हायरार्की समझ लेते हैं कि कैसे मेमोरी आया। अब आप लोग ये कहोगे कि मैम अच्छा ये बताइए, जब मेमोरी सेव ही करने का काम करती है तो हम लोग इतने सारे टाइप्स क्यों लेते हैं मेमोरी के, मतलब मेन मेमोरी क्यों लेते हैं, सेकेंडरी क्यों लेते हैं, कैश मेमोरी क्यों लेते हैं, रजिस्टर क्यों लेते हैं, इतने सारे टाइप्स क्यों ले लेते हैं? तो इसका जो मेमोरी होती है वो अगर डिवाइडेड है तो वो अपनी कैपेसिटी और एक्सेस टाइम पर डिवाइडेड है। अब वो जैसे सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या है, कॉस्ट में तो कम है। अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ लिया है जिसमें कि एक साइड ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है और एक साइड ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। जो नीचे की तरफ एरो जा रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है, हमारा साइज़, मतलब जो साइज़ होता है मेमोरी का वो नीचे की तरफ जाते जाते क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। और जो स्पीड और कॉस्ट होती है वो क्या होती है, ऊपर की तरफ जाते जाते क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। इसका मतलब क्या है, जो सेकेंडरी मेमोरी होगी वो सबसे ज़्यादा सस्ती होगी, उसके बाद उससे कॉस्टली होगी मेन मेमोरी, उससे कॉस्टली होगी कैश मेमोरी, और उससे भी ज़्यादा कॉस्टली होगी हमारे रजिस्टर मेमोरी। और जो साइज़ के आधार पे देखें तो रजिस्टर मेमोरी सबसे ज़्यादा छोटा होगा, उसके बाद कैश, मेन एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। साइज़ के आधार पे ये क्या होंगे, हमारे बिल्कुल इन्वर्सली होंगे। सेम स्पीड के आधार पे देखें तो सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड थोड़ा स्लो होगी देन मेन मेमोरी की होगी, उससे थोड़ा सा फास्ट, कैश मेमोरी की सबसे फास्ट। आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारा CPU IBPS में नापते हैं, मतलब इसको, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, मिलियंस में स्पीड होती है, और हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी हमारी बहुत कम स्पीड होती है। तो इस वजह से क्या किया, इनको आपस में कनेक्शन करके स्पीड को मैनेज कराने का काम किया गया। ओके, इसी वजह से मेमोरी को डिवाइड किया गया। इसको हम लोग डिटेल में आएंगे जब हम लोग कैश मेमोरी समझेंगे, तब इस चीज़ को जानेंगे कि क्यों मेमोरी हम लोगों ने इतना डिवाइड किया रखा है, कैश मेमोरी का काम क्या है यहाँ पे, मेन मेमोरी का काम क्या है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के समझेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो है, आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारी कुछ जो यूनिट्स होती हैं मेमोरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने इनको एक लिस्ट के फॉर्म में रखा हुआ है जो आपको याद करनी है। इनमें से आपको दिख रहा होगा जो 1 बिट है वो क्या होता है, बाइनरी डिजिट। कई बार क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछ रहे थे कि 1 बिट का मतलब क्या है, तो क्या है, बाइनरी डिजिट। 1 बिट को कहते हैं बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट हमारा क्या है, 4 बिट्स। 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल होता है। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है। 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB होता है, जिसे हम लोग किलो बाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और सेम आपको इसी भी तरीके से ये सारी याद रखनी है। ओके, ये एक सीरीज है। नेक्स्ट क्या है, 1024 के ही टर्म में सारी डिवाइडेड है, तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती। 1024 KB इक्वल टू 1 मेगाबाइट, और मेगाबाइट को ही अपन क्या कहते हैं, 1 मिलियन बाइट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, 1024 MB इक्वल टू क्या होता है, 1 GB, मतलब गीगाबाइट। गीगाबाइट क्या होता है, 1 बिलियन होता है। ये 2 टर्मोलॉजी आपको याद रखनी है कि 1 MB को बोलते हैं 1 मिलियन बाइट, 1 GB को बोलते हैं 1 बिलियन,
बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन गई, एक वन बिट इक्वल टू बाइनरी डिजिट इंपॉर्टेंट बन गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके 1024 GB इक्वल टू होता है 1 TB मतलब कि टेरावाइट, 1024 TB इक्वल टू होता है 1 PB मतलब पेटावाइट, 1 PB इक्वल टू होता है 1 EV मतलब एग्जावाइट, 1024 EV इक्वल टू होता है 1 ZB मतलब कि जेटावाइट, नेक्स्ट 1024 ZB इक्वल टू होता है 1 YB मतलब योटावाइट, और 1024 YB इक्वल टू होता है 1 BW मतलब कि इसका BB मतलब फुल, इसको शॉर्ट में नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है 1024 BW इक्वल टू होता है जॉब वाइट। ओके तो ये आपको एकदम से रट लेना है। ओके ये सीरीज या आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपने नोट्स में बना लो, इसको एकदम परफेक्ट आपको याद करते हुए चलना है। ओके नेक्स्ट हमारा आता है मेमोरी। मेमोरी का फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ओके जो प्राइमरी मेमोरी होती है बेसिकली वो दो टाइप्स पे डिवाइड होती है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकेंड वन इज रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम लोग डिटेल में जानते हैं। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो क्या होती है, हमारी वॉलेटाइल मतलब कि अस्थिर मेमोरी होती है, मतलब जो लाइट जाने पे इसका डेटा क्या होता है, चला जाता है, या बिजली जाने पे या हम लोग कोई डेटा बंद कर देते हैं तो डेटा चला जाता है। ठीक है तो ये जो रैम होता है वो भी हमारे दो टाइप से डिवाइडेड होता है, वन इज डायनामिक रैम एंड सेकेंड वन इज स्टैटिक रैम। जो डायनामिक रैम होता है और स्टैटिक रैम होता है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, डायनामिक रैम जो हम लोग बेसिकली खुद से यूज़ कर रहे होते हैं अपने सिस्टम में, जैसे DDRM डबल डेटा डायनामिक रैम, ये हमारा बेसिक कंप्यूटर्स में या प्राइमरी हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें लगी होती है। ठीक है जो डायनामिक रैम होती है उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, लिखा है नीड टू रिफ्रेश वाइल वर्किंग। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं किस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या होता है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम को हमेशा रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। ठीक है जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स में पड़ी होती है, जो डायनेमिक रैम होता है उसमें क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। क्या होता है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों का इस्तेमाल होता है, दोनों को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं अपना डायनेमिक रैम बनाते हैं। ओके और जो स्टैटिक रैम होता है उसमें हमारा ओनली ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है, इसमें कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं होता, ये भी हमारे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। ओके तो इसके भी तीन टाइप्स होते हैं, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, RDRM मतलब कि रैम बस डायनेमिक रैम, और DDRM मतलब कि डबल डेटा डायनेमिक रैम। ओके इनके फुल फॉर्म अक्सर पूछ लेते हैं, तो आपके ये फुल फॉर्म आपको एब्रिविएशन ये नोट डाउन कर लीजिए लर्न करने के लिए, इनका डीपली आपका नहीं जाएगा। ओके नेक्स्ट हमारा क्या है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होता है, जिसे हम लोग एस रैम भी कहते हैं, एब्रिविएशन आप याद रखिए, जिसमें हमारे क्या होता है ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। ओके तो ये भी हमारे चार टाइप से डिवाइडेड है, नॉन वॉलेटाइल एस रैम और स्पेशल एस रैम और एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। ओके फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी हमारी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये एक स्थिर मेमोरी हो जाएगी। अब रोम का आप लोग मतलब समझें तो रोम एक तरीके से क्या है कि आपने अगर सीधे से कहें, अगर जनरल डेफिनेशन अगर आप समझें तो रोम हमारा वो डेटा है जो हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मतलब रीड ओनली कर सकते हैं, बाकी उसमें कुछ भी फंक्शन नहीं कर सकते। लेकिन ये रोम भी हमारे कई टाइप से डिवाइडेड कर दिए गए हैं। नंबर वन हमारा क्या है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अपना डेटा जो है वो किसी हाई वोल्टेज लगा के इसको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर, इसमें डेटा हम लोग डाल भी सकते हैं। ठीक है ये एक तरह से सॉरी ब्लैंक रोम, आपके पास एक ब्लैंक रोम आएगा उसमें अपना डेटा डाल सकते हो, देन उसको आप सेव कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या इरेजेबल। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब समझ रहे हो कि इसको हम लोग इरेज करके दोबारा से भी कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है ये जो डेटा है हमारा उसको हम लोग इरेज करके दोबारा से भी काम में ला सकते हैं। ठीक है इरेज कैसे करेंगे, इसके कुछ प्रोग्राम इसके कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कि हमारी रोम को हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे हम लोग अपना डेटा इरेज करके उसको दोबारा से रीराइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्राम विद रीड ओनली मेमोरी। इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, इसमें हम लोग जनरली इसमें डेटा अपना इरेज करके काम में ला लेते हैं। ओके तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इनके एब्रिविएशन आपको याद रखने EPROM PROM और EEPROM। ओके इनके एब्रिविएशन याद रखना।
नेक्स्ट हमारा है आज के कुछ क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के लिए आपके रहेंगे. नंबर वन क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ टर्म फॉर द स्मॉल यूएसबी अटैच्ड फ्लैश मेमोरी डिवाइस. फ्लैश मेमोरी डिवाइस से कनेक्ट रहती है तो थंब ड्राइव. आप लोगों ने देखा होगा पेन ड्राइव. देखिए अभी हम लोग कल का लेक्चर लेंगे तो उसमें सेकेंडरी मेमोरी के कई सारे टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें कि मैं आपको पेन ड्राइव के बारे में बताऊंगी. तो वो थंब ड्राइव जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैश मेमोरी डिवाइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं जो यूएसबी फॉर्मेट में हमारे सिस्टम में लग जाती है. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, विच इंस्टीट्यूट वॉज सेट अप बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कैटलाइज ई गवर्नेंस एक्टिविटीज. ई गवर्नेंस एक्टिविटीज़ को देखने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया, तो NIC, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिल. नेक्स्ट हमारा क्या है, वॉट इशू वॉज एड्रेस्ड बाई IT एक्ट 2000. इट डील्स विद द साइबर क्राइम्स. तो IT एक्ट 2000 में क्या एड्रेस किया गया था, तो IT एक्ट पहले समझो. IT एक्ट क्या था कि जो साइबर क्राइम्स हो रहे थे या इंटरनेट पे जो क्राइम्स हो रहे थे या कोई अब्यूज़ करता है या गलत चीज़ें इंटरनेट पे डालता है या लीगल किसी का पासवर्ड कहीं और ट्रांसफर हो जा रहा है, हैकिंग की प्रॉब्लम आ रही है. तो कई सारी इंटरनेट पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी कि डेटा हमारा चला जा रहा है इंटरनेट से या प्राइवेट डेटा कहीं से जा रहा है, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं. जैसे बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारा कि जो साइबर जो जनरली हम लोग की जो चोरियाँ होती हैं वो चोरियाँ क्या है, साइबर लेवल पे हो रही हैं, मतलब इंटरनेट लेवल पे हो रही हैं. तो उस वजह से हमारा IT एक्ट 2000 आया था. ठीक है, तो IT एक्ट 2000 के अंदर कौन कौन से इशू को हमारे वो किया गया था, तो फर्स्ट हमारा लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. तो डिजिटल सिग्नेचर वाला हम लोग अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो डिजिटल सिग्नेचर भी हमारा IT एक्ट में ही आया था. नेक्स्ट हमारा क्या है, लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आया था कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को हम लोग लीगली रख सकते हैं. नेक्स्ट हमारा था जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम फॉर साइबर क्राइम. साइबर क्राइम के लिए जस्टिस के लिए हमारा इसी एक्ट में आया था. तो ये हमारे क्या होंगे, ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएंगे. IT एक्ट के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, IT एक्ट से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन आ जाते हैं. हम लोग एक दो क्वेश्चन आएंगे और अभी लेंगे IT एक्ट से रिलेटेड. व्हाट इज़ द की फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ एन ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट. ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सक्सेस के लिए कौन से की फैक्टर हमारे क्या है, तो एडिक्यूएट टाइम, मतलब कि टाइम से हर चीज़ पता चल जाती है. जैसे हम लोग की कोई वैकेंसी आ रही तो सबको टाइम से पता चल रहा है. एडिक्यूएट रिसोर्सेज हमारे सही एकदम पता चल जाते हैं, मतलब हम लोग को कहीं से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग को मिल जाती है. डिफाइनिंग द क्लियर एंड मीजरेबल प्रोजेक्ट गोल. ओके, तो ये हमारे सब क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएंगे इस केस में. ठीक है, थोड़ा सा जब हमारे इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग को सारे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप एडिक्यूट टाइम पढ़ेंगे तो आप करेंगे अच्छा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर तो ये हो गई, बाकी के छोड़ देंगे. तो आपको सारे पढ़ने की ज़रूरत है. ओके, तभी आपका आंसर एक परफेक्ट आप लगा पाओगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यही होता है. नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है कि विच प्रोजेक्ट हैड अ पैन इंडिया इन्फ्लुएंस. तो रेलवे टिकटिंग का जो प्रोजेक्ट था उसमें क्या था, पैन इंडिया इन्फ्लुएंस था. नेक्स्ट हमारा है द एबिलिटी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड योर कंपनी फ्रॉम द वायरलेस डिवाइस इज रेफर्स एज इंक्रिप्शन. ठीक है, तो वायरलेस डिवाइस हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन आपने कई बार देखा होगा, आपने खुद की एक्सपीरियंस क्या होगा कि आपको इंक्रिप्शन लिखा दिख रहा है. जब ये व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करेंगे ना तो एक चीज़ नोटिस करना, ऊपर लिखा आता है एंड टू एंड इनक्रप्टेड. मतलब क्या है कि अगर आप कभी भी कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो या वायरलेस काम कर रहे हो तो उसमें क्या रहता है कि आप किसी को अगर मैसेज सेंड कर रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, जैसे कि आप बैंक का ही मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कुछ ड्यूरेशन के लिए वो क्या है, नेटवर्क्स में फ़्लो करता है. कोई भी डेटा होगा तो वो कुछ ड्यूरेशन के लिए क्या करेगा, नेटवर्क में फ़्लो करेगा. अब नेटवर्क में फ़्लो करते टाइम क्या होता है, जो हमारा ऑनलाइन कोई भी डेटा जा रहा है तो उसमें हमारा दो क्रिप्टोलॉजी करके हम लोग का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें क्या रहता है, हमारा दो चीज़ें एंड टू एंड इनक्रप्टेड रहती है. मतलब यहाँ से जब भी हमने कुछ सेंड किया तो वो डेटा जब हमारे सिस्टम से निकला तो वो सीधे क्या हो जाता है, इनक्रप्ट हो जाता है. मतलब कि उसका जो भी उसमें जो रियल डेटा होगा वो हाइड हो जाएगा और वो एक कोड के टाइप से जाएगा.
अब कोर्ट के टाइप से जाके जब वो अदर सिस्टम में पहुंचेगा, मतलब सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंचेगा, तो तब तक वो क्या रहेगा, इनक्रप्टेड रहेगा। उसके पास जाएगा, उसके पास उस जिसके पास मतलब रिसीवर के पास ये डेटा गया, तो उसके पास क्या है, उसकी अथॉरिटी है, मतलब उस डेटा को एक्सेस करने की उसके पास क्या है, अथॉरिटी है। तो वो क्या करेगा, उस डेटा को एक्सेस कर लेगा। लाइक हमारा ये सेंडर है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा सेंडर, और ये हमारा क्या है, रिसीवर है। तो सेंडर से रिसीवर के बीच में अब डेटा सेंड हो रहा है, तो कुछ टाइम भी लग रहा है, और इस ड्यूरेशन में डेटा यहाँ पे है। तो अब ये जो डेटा है वो अगर एकदम ओपन जाएगा तो क्या बीच में हैकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारे हैकर्स होते हैं, इसकी चेन ब्रेक कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इनक्रप्शन यूज़ करते हैं। इनक्रप्शन क्या करता है, जब डेटा यहाँ पे ओरिजिनल था तो उसके उसका मतलब जो डेटा का हकदार कौन था, सेंडर था। अब सेंडर के पास उसकी क्या थी, अथॉरिटी थी, मतलब उसका लॉगिन पासवर्ड, उस डेटा की पूरी डिटेल, हर चीज़ थी। अब ये जब डेटा गया तो इतनी देर के लिए क्या हो गया, इनक्रप्टेड हो गया। इनक्रप्टेड होकर जब रिसीवर के पास पहुंचा तो वो डेटा क्या हो गया, इसके पास इसकी अथॉरिटी थी, तो उसने इस डेटा को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। तो ये हमारा इंटरनेट का पूरा प्रोसेस रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब आप लोग पायरेसी में कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये प्राइवेसी है, पायरेसी है, क्या है, तो ये चीज़ क्या होती है। पायरेसी का मतलब, जैसे आपने देखा होगा कि कोई आप विंडो डलाने जाते हो, तो अगर आप लाइसेंस विंडो करके आपने सुना होगा कि कहीं लाइसेंस विंडो डला रहे हो, तो वो क्या रहती है, पैसों से आती है। तो लाइसेंस विंडो आपने डला ली, अब विंडो का क्या आ गया, आपके पास सेटअप आ गया। अब आप लोगों ने क्या की, चालाकी की, इस लाइसेंस विंडो को अपने फ्रेंड्स को दे दिया, मतलब आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास कंप्यूटर है, तो उनको आपने क्या किया, ये लाइसेंस विंडो आपने दे दी। अब वो फ्रेंड था, उसने भी चालाकी की, उसने अपने दूसरे बंदे को दे दी, ठीक है, दूसरे बंदे को ये विंडो डाल दी। तो अब जो विंडो का मालिक था, ये जो इसका ओनर था, मतलब ये जो कंपनी है, इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि ये तो लाइसेंस विंडो फॉरवर्ड कर रहा है। तो ये जो लाइसेंस विंडोज ने दी, इसने क्या किया, इसका सेटअप दूसरे को दे दिया, दूसरे का सेटअप तीसरे को दे दिया, तीसरे का सेटअप दूसरे को और अगले को दे दिया। या आप कभी कभी क्या करते हो, ऑनलाइन पोर्टल पे कोई क्लास खरीदी आपने, तो आपने क्या किया, चालाकी कर दी कि आपने खरीदी, अपने सारे फ्रेंड्स को दे दिया, उनसे भी पैसे ले लिए। अब ये क्या हो रहा है कि बहुत सारी जगह वो एक्सेस हो रही है, मतलब वो क्लास जो पैसों से मिलनी थी दूसरों को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो उससे नुकसान किसको हो रहा है, ये जो मालिक है उसका, उसको नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ कहलाती है पायरेसी, जो कि एक तरह से क्राइम हो जाता है कि आपने क्या किया कि खुद से तो खरीदी, उसके बाद क्या किया, दूसरों को दे दी, दूसरे ने तीसरे को दे दी, तीसरे, अब वो क्या होगा, मार्केट में वो जो डेटा जो मतलब पैसों से आना था वो फ्री फ्लो कर रहा है। तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी, मतलब सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्री में सबको दे रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ ऑफ लाइसेंस, मतलब लाइसेंस का क्या कर रहे हैं, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ कर रहे हैं, सबको दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, कॉपिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर की कॉपी कर करके बांट दी। देखो, एक तो हो सकता है कि हमने लाइसेंस को जो लाइसेंस विंडो खरीदी वो दूसरे के में डाल दी, दूसरा क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर की कॉपी बना के रख ली हार्ड डिस्क में, और कोई भी आ रहा तो हम लोग भी उसी से बिजनेस कर रहे हैं, मतलब दूसरा बंदा भी बिजनेस करना स्टार्ट कर दे रहा है उसी चीज़ से, ठीक है। बल्कि किसके लिए थी, वो सिंगल यूज़ के लिए थी, वो क्या कर रहे हैं, हम लोग मोर देन वन को इसको यूटिलाइज़ करने का मौका दे रहे हैं, तो ये भी आ गया। तीसरी चीज़ क्या हो गई कि पायरेट विंडो आपने डाउनलोड कर ली, जो कि मतलब आपने या कोई ख़रीद के या कोई चीज़ पेड चीज़ आपने ली तो उसको डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, सबको ओवर इंटरनेट पे क्या किया, एक्सेस कर दिया कि हमने तो भैया खरीद ही ली, बाकी सबको और दे दें, मतलब आप उस अपनी नॉलेज का क्या कर रहे हो, गलत फ़ायदा उठा रहे हो। तो ये चीज़ हमारी पायरेसी कहलाती है, कि आप किसी के भी चीज़ को आप बाई करके या ख़रीद के आप फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में उसे फ्लो करा रहे हो, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, हमारी सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ओके, पायरेसी का केस हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, पायरेसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता आप बना लोगे, ठीक है। तो एक तरह से क्या है कि आपने कोई चीज़ खुद तो खरीदी, उसके बाद दूसरों को सबको बांट दी, चाहे वो इंटरनेट पे डाल के, चाहे उसकी कॉपी बना के, चाहे लाइसेंस का ओवर यूज़ करके, कैसे भी करके आपने दूसरों को बांट दी, तो क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर की पायरेसी कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज़ यूज फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। रिपोर्टिंग और एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग एक्सेल का। अच्छा, मैं एक्सेल की क्लास लेके आने वाली हूँ जिसमें कि मैं एडवांस एक्सेल कराऊंगी पूरा,
कुछ टाइम बाद मैं क्लास को एक्सेस कराऊंगी तो आप सब लोग देखेगा, वो एडवांस एक्सेल का पूरा सा क्लास रहेगा जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को रिपोर्टिंग और एनालाइज कर सकते हैं। ओके, ये सब आपको अभी आगे चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, विच लैपटॉप एसेसरीज अलाउ यू टू पावर योर लैपटॉप फ्रॉम अ कार और एरोप्लेन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, आप इसको इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। एसी अडेप्टर का यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, इम्पॉर्टेंट, एसी अडेप्टर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल यूनिकली। आपने कई बार सुना होगा खुद इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं आजकल, बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल हर जगह बायोमेट्रिक चल रहा है, स्कूल में अटेंडेंस हो, कहीं पे भी हो, जॉब के लिए अटेंडेंस हो, या आप कहीं पे भी ऐसी जगह जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो खुद की आइडेंटिफाई के लिए क्या है, बायोमेट्रिक चलती है। इसमें आपको थंब से कर लेते हैं या आई कॉन्टैक्ट से, तो ये सारी चलती है। अब आप में इसको आपको दिख रहा है हैकिंग, ठीक है। हैकिंग क्या होता है कि आप किसी का मतलब ऑनलाइन इनक्रप्शन इनक्रप्टेड का हमने जो केस समझाया था आपको, उसी के बीच में ड्यूरेशन में अगर डेटा प्रॉपरली हाइड नहीं होता है तो उस केस में हमारी हैकिंग हो जाती है, जो हैकर्स ऑलरेडी सीखे हुए होते हैं। ये आपको दिख रहा है फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या होता है कि एक तरह से आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपको लॉगिन पासवर्ड की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो केस क्या हो गया, फिशिंग हो गया। लाइक आप फेसबुक चला रहे हो तो फेसबुक में क्या करते हो, पासवर्ड डालते हो, पहले यूज़र आईडी डालोगे फिर पासवर्ड डालोगे, ठीक है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड वाली जो भी चीज़ें होंगी वो हमारी क्या कहेंगी, फिशिंग कहलाएंगी। फिशिंग के ड्यूरेशन में क्या होता है, आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या हो जाते हैं, चोरी हो जाएंगे, या किसी ने ले लिए, या किसी कहीं से भी मतलब हैक कर लिए, तो उस केस में आपका फिशिंग हो गया। जिस ड्यूरेशन में कोई आपके साथ आपके सॉफ्टवेयर या आपकी प्राइवेट चीज़ों के साथ गलत चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो फिशिंग से भी बचें, हैकिंग से भी बचें। ओके, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। जब आप कहीं जाते हो तो मशीन टाइप की रखी रहती है, इसके बीच से आप निकलते हो तो वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, ऐसे आपके पास कोई गैरकानूनी चीज़ें तो नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलैबोरेट इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया आप कहाँ पे सर्च कर सकते हो, विकिपीडिया पे। ओके, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है जहाँ पे आपको सारी नॉलेज मिल जाए, ठीक है। फाइनली आप हर चीज़ सर्च कर सको, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड और भी चीज़ें, तो वो सारी आपको विकिपीडिया पे मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, विच टेक्निक इनपुट क्या लिखा है, यू सीड इन ई गवर्नेंस, तो क्या है, आईसीटी। ओके, आईसीटी टेक्निक का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशन दैट सपोर्ट एंड ड्राइव द बिजनेस प्रोसेस मोस्ट ऑफन यूज द वेब टेक्नोलॉजी इज नोन एज द ई बिजनेस। जो भी हम लोग इंटरनेट, अच्छा वेब शब्द कहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि ये बातें कहाँ हो रही है, इंटरनेट की हो रही है। तो इंटरनेट पे हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई चीज़ें आप प्रोसेस कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन या कोई भी ड्राइव बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये ई बिजनेस कहलाया, ठीक है। ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन मतलब इंटरनेट मीडिया के द्वारा आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो, जैसे कि ऑनलाइन स्टडीज़, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ आपको। ई कॉमर्स का मतलब हो गया कोई पैसे का लेन देन या कुछ ऐसे चीज़ें कर रहे हो, और ई गवर्नमेंट्स का सरकारी सुविधाएं आपको इंटरनेट मीडिया के द्वारा मिल रही हैं, ये सारी क्या हमारी ई गवर्नमेंट्स हो गई, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हो गया। नेक्स्ट हमारा है, द एक्ट प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नमेंट्स इन इंडिया इज नोन एज द, जो ई गवर्नमेंट्स को लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है उस एक्ट को क्या कहेंगे हम लोग, आई टी एक्ट 2000 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई सारी चीज़ें इसके बारे में जान लीजिए, या मैं स्पेशल एक सेशन लेके आऊँगी आईटी एक्ट को कराने के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट रिक्वायर, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को क्या चाहिए होगा, हमारा आईटी एक्ट 2000 चाहिए होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, हु प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड कराता है, आईएसपी मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट डज नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिवेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या क्या प्रिवेंट करती है, ऑथराइज एक्सेस, ऑथराइज मिसयूज, ये सारी चीज़ों को बचाने के लिए ये सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। डैनियल ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क एसेसिबल रिसोर्सेज। ओके, ये सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे।
विच आई टी एक्ट डील्स विद द साइबर टेररिस्ट। अब आई टी एक्ट के अंदर कई सारे सेक्शंस को रखा गया है, कई सारे सेक्शंस को रखा गया है जिसमें कि हमारा साइबर क्राइम को कौन अटेम्प्ट करता है, तो सेक्शन 66F, ओके 66F। नेक्स्ट हमारा, हमने सारे ऑप्शंस को हमने इसमें लिख लिया है जो इम्पॉर्टेंट हमारे आई टी एक्ट से रिलेटेड हैं। सेक्शन 66 में क्या होता है, हैकिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आ रही है तो आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 66V है जो कंप्यूटर स्टोल कर लिया, किसी का चोरी का कंप्यूटर ले लिया, जैसे आप जानते हो कि मोबाइल चोरी कर लिया तो उसका क्या हो जाता है, आईपी एड्रेस मिल जाता है, फिर आप पकड़े जाते हो, फिर आप पे मतलब आपको केस होता है आपके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें किसमें, सेक्शन 66B के अंदर होता है, ठीक है, आप किसी की डिवाइस चोरी कर रहे हो तो। और सेक्शन 66A के अंदर होता है कि आप ऑफेंसिव मैसेज किसी को सेंड कर रहे हो या सेक्सुअल अब्यूज़ आपके इंटरनेट पे हो रही है या कोई भी चीज़ या आप गलत मैसेज कहीं से दे रहे हो तो वो सारी क्या हो जाएंगी, हमारे सेक्शन 66A के तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये मैंने एक पेज पर ले लिया, आप एक बार पढ़ के इनको खुद से इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एक बार रेट जरूर करना इन क्वेश्चंस को, लिख के अपनी कॉपी में आंसर करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। जैसे कि आप जानते हो कि लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपनी फैमिली को भी ये बोलिए कि सुरक्षित रहें। ओके, थैंक यू।